हरिओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। जी प्रभु जी, आज फिर हम लोग कुछ मन की बातें कर लेते हैं। अब तो हम और आप लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं, आभासी दर्शन हो रहे हैं, आप लोगों के मैसेज भी आते हैं, मेल भी आते हैं, लेकिन इतने ज्यादा हो गए हैं कि सबको पढ़ने का समय नहीं मिलता है। तो आज कुछ बातें कर लेते हैं। पहले एक बात करते हैं, उसमें एक सूत्र मिलेगा आपको। अभी जो हमने बातें की योगियों के बारे में, तो आपके बहुत सारे ऐसे मैसेज आए कि योगी तो जंगल में रहते हैं, उनका गृहस्थ तो होता नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, 24 घंटे प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, भगवान का आवाहन कर सकते हैं, लेकिन जो गृहस्थ में रहते हैं ना, उनसे पूछो रोजी रोटी के लिए सुबह से शाम तक जूझना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, घर के काम करने होते हैं, नौकरी करना होता है, व्यवसाय करना होता है, और रोजमर्रा की इतनी सारी परेशानियां होती हैं, शरीर की, समाज की, आपस में रिश्तेदारों को, सबको देखना होता है। इतना आसान थोड़े ही ग्रस्त में रहकर योगी बनना। आपने तो कह दिया कि घर में रहकर भी आप योगी बन सकते हो। प्रभु जी, हम आपसे जो भी बातें करते हैं उसके पीछे हमारा अपना अनुभव होता है, चिंतन होता है, और परम चेतन आत्माओं के सूत्र उसमें शामिल होते हैं, तब हम आपसे कहते हैं। जो भी हम आपसे बातें करते हैं, शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जो भी लिखा है, उसे न बताकर हम आपको अपना चिंतन बताते हैं। ये बात जो हमने आपसे कही कि घर में रहकर भी आप योग साधना कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं, ये हमने अपने हिमालय में संत महात्माओं से जब पूछते थे हम, उन्होंने जो बताया उसमें से हमने आपको बताया कि कैसे हम अपनी श्वास के माध्यम से मन और प्राण को लय कर सकते हैं। अभी तो हमने हिमालय के बहुत से संतों के अभी अनुभव आपको बताए नहीं है। स्वामी सदानंद जी के बारे में हमने आपसे कई बार बातें की हैं, लेकिन अभी हमने उन्होंने क्या बताया, ग्रस्त में रह के क्या करें, उसको अभी विस्तार से हमने आपको नहीं बताया है। लेकिन ये श्वास, प्राणायाम, ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, ये सबका जो हम आपको संक्षिप्त कुछ बताते हैं, तो अपने अनुभव के बाद बताते हैं। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, श्री गीता जी पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, और बहुत सारे देवी देवताओं के गुणगान करते हैं, अन्य धर्मों में हम धर्म स्थलों में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सबके पीछे उद्देश्य होता है भगवान को पाना, लेकिन उससे पहले जरूरी है खुद को जानना। जीव
जगदीश्वर को प्राप्त करने के लिए जब तक जगत को नहीं जानेगा, खुद को नहीं जानेगा, तब तक जगदीश्वर तक नहीं पहुंच सकता। अब हम सूत्र की बात करें तो मैं किसी एक संत की रहस्य आपको बता रहा हूं जो उन्होंने मुझे बताया। आप देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको स्वामी सुंदरानंद जी के बारे में बताया था और उनके उनका सत्संग, उनकी बातें आपके साथ शेयर की थी, उनका ब्रह्मलीन होने के शायद एक महीने पहले। और उसके बाद आपको बताया था, आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, गंगोत्री में रहते थे स्वामी सुंदरानंद जी और उनसे हमारा आखिरी संवाद हुआ और उसके एक महीने बाद संभवतः वो ब्रह्मलीन हो गए। 94 प्लस उनकी अवस्था थी। तो कई बार उनसे मिलना हुआ। एक बार हमने पूछा, स्वामी जी ये हम जो इतने सारे उपक्रम करते हैं, ध्यान, साधना, जप, तप, पूजा पाठ, भक्ति, इस सब का आउटपुट क्या है? इतनी सारी चीजें हैं, क्या कोई इसका संक्षिप्त कोई पैकेज ऐसा है जो करें हम अपने आप को जान लें और भगवान को भी जान लें और पालें? प्रभु जी, स्वामी जी ने जो बताया वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। उन्होंने कहा, मैंने वर्षों तक घर से पूजा पाठ शुरू की। घर में मैं रेत के शिवलिंग बनाया करता था, पूजा पाठ करता था, विग्रह की उपासना करता था। और जब मैं घर छोड़कर हिमालय आया तो मैंने पूरे हिमालय का भ्रमण किया। हमारी जितनी भी सनातन परंपरा की विधियां हैं सबको हमने देखा, अपने सदगुरु से मिलने के पहले भी कहां कहां उनकी तलाश में घूमे, भगवान को पाना है, ईश्वर को जानना है। और एक दिन सदगुरु ने हमें बुलाकर कहा कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मैंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यहां पर अपने आप को जानने आया था, भगवान को पाने आया था, वो मैं सब आप में देख रहा हूं, लेकिन हमें समय नहीं मिलता साधना का। आप तो इतना साधना करते हैं, हर समय जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान में रहते हैं, लेकिन मेरा तो सारा समय काम से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती। साफ सफाई करना, घर की, आश्रम की, बनाना, खाना खिलाना और भी लोगों से मिलना मिलवाना, सारा समय तो इसी में निकल जाता है। उन्होंने मुझे एक सूत्र बताया, ये करो। कुछ मत करो, क्या ध्यान करना है, क्या क्रिया योग करना है। और स्वामी जी ने योग प्राणायाम बहुत किया, उन्हें दुर्लभ प्राणायाम आते थे, योग आते थे। उनकी हमने फोटो भी दिखाई थी, नहीं देखी हो तो आप लोग दोबारा वीडियो देख लेना स्वामी सुंदरानंद जी का। और प्रभु जी, उन्होंने कहा, स्वामी जी के, सदगुरु के ब्रह्मलीन होने के बाद एक दिन उनके चिंतन में आया कि स्वामी जी उनको बता रहे हैं कि अब तुम मुक्त हो, बस वही एक सूत्र पकड़ लो, खुद को भी जान लोगे, इस जगत को भी जान लोगे, भगवान को भी जान लोगे और आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और उसके बाद मैं उस सूत्र को पकड़ के मैंने करने लगा। कुछ नहीं करता था उसके बाद में, मैं हिमालय घूमता था, भ्रमण करता था, जाता था जगह जगह,
कैमरा लेके प्रकृति की उस अनुपम कृति को कैमरे में कैद करता था, लोगों तक जाता था, बताता था, उन्हें दिखाता था कि देखो हमारे भारत का कितना खजाना है सौंदर्य का, अनुपम खजाना जहां लोग जा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं जाता हूं और मैं वहां से उस खजाने को लेकर आता हूं और आपको बताता हूं। लेकिन वो जो सूत्र था उसको मैंने नियम बना लिया था, सुबह और शाम उसे करता था। बाद में अमृत बेला में उठकर 3 बजे से 7 बजे तक, 8 बजे तक, कभी कभी 9 बजे तक 5 घंटे लगातार केवल एक प्राणायाम करना, केवल एक क्रिया करना, और उससे ही मैं अपने अंदर चला गया। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे अंदर परिवर्तन हो गया, कब मेरा रूपांतरण हो गया, गुरु की कृपा जो मुझ पर बरस रही थी कब उसका बोध हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब मेरी बहुत जिज्ञासा हुई कि हम भी उसको जान लें। और एक दिन सर्दियों का समय था तो स्वामी जी देहरादून में अपने किसी शिष्य के या भक्त के फार्म हाउस में रहते थे और मैं वहां पर उनसे मिलने गया, बहुत सारी बातें की, वीडियो भी बनाया उनके जीवन के बारे में। वो अभी हमने आपको दिखाया नहीं है क्योंकि उनके ब्रह्मलीन होने के कुछ समय पहले जो बातें की थी ना वो आपको दिखा दी थी, लगभग वही बातें थी। जब हमने उस सूत्र के बारे में जानना कहा, उन्होंने कहा कैमरा बंद कर। कैमरा बंद करने के बाद हम लोग 1-to-1 बैठे और जो अभी हमने तुम्हें बताया, अभी जो हमने आपको बताया वो बातें हमें स्वामी जी ने बताई। और मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि ऐसा क्या एक सूत्र है जिसे करने से सब कुछ उनको प्राप्त हो गया, गुरु की कृपा की उन्होंने अनुभूति की, खुद को जान लिया। आप प्रभु जी, अभी उन्होंने जब मुझे बताया कि वो क्या है, वो क्या क्रिया है, वो क्या प्राणायाम है, और अभी मैं जब आपको बताऊंगा ना, आपको भी लगेगा इतना सरल, इतनी सरल विधि। और जो लोग भी प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, सब उसको करते हैं। एक स्वामी जी ने योग प्राणायाम का पूरी देश ही नहीं दुनिया भर में जागरण किया। योग प्राणायाम तो बहुत पुरानी है, किसी ने इसका आविष्कार थोड़ी किया अभी हाल फिलहाल में। उन्होंने जो पतंजलि योग था, जो प्राणायाम थे, उसका एक पैकेज बनाकर लोगों के सामने लाए, पहले खुद किया फिर लोगों को कराया, और देश ही नहीं दुनिया भर में क्रांति लाई, योग क्रांति ले आए, आप सब जानते हैं। उन्हीं में से एक प्राणायाम, जब मैंने उनसे कहा कि बताइए, उन्होंने कहा मैं आज भी रात में जागता रहता हूं, मैं सोता नहीं हूं, जब मेरा मन हो मैं बस एक प्राणायाम वही करता रहता हूं, और सुबह 3 बजे से सूर्योदय तक तो निश्चित है कि मैं केवल और केवल एक प्राणायाम करता हूं, और उसका नाम है अनुलोम विलोम। मेरी जिज्ञासा और बढ़ी, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो भी लोग ध्यान साधना योग प्राणायाम करते हैं, सभी करते हैं सुबह, पर उन्होंने कहा कि मेरा पूरा ध्यान उस समय कुंभक पर केंद्रित होता है, एक मिनट में जितनी बार हम श्वास लेते हैं उतनी देर वो रोक के कुंभक करते हैं।
समझ लेना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो चिंतन मनन करने के बाद ही कोई चीज बताता हूँ और बहुत सरल तरीके से बताता हूँ, उसमें कोई संशय नहीं रहता क्या करें कैसे करें। स्वामी जी ने मुझे करके दिखाया, बोले माला तो मेरे हाथ में रहती है और वो मेरा प्राणायाम चलता रहता है हर समय 24 घंटे, जिसका मैं सुबह अभ्यास करता हूं 3 बजे से लेके 7 बजे तक, कभी 6 बजे तक, 3 घंटे कभी 4 घंटे। ये मैं स्वामी जी की बात बता रहा हूं आपको, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप करें, मैं तो केवल संत महात्मा जो बताते हैं उसे मैं करके देखता हूं, अनुभव करता हूं। अभी मुझे समय मिला है तो मैं यही कर रहा हूं। अभी हम 7 दिन का हमने जंगल में अनुष्ठान किया ना, क्या करते अकेले 24 घंटे, मैंने उसे किया और मैंने उसको महसूस किया, परिवर्तन देखा, चिंतन में देखा और आनंद बढ़ गया। अब आप कहेंगे कैसे करते हैं, मैं पहले बता भी चुका हूं आपको, अनुलोम विलोम हम जो करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक नासिका से श्वास लेते हैं, पूरी श्वास भरते हैं, दूसरी से छोड़ देते हैं, फिर दूसरी से लेते हैं, इससे छोड़ देते हैं, इनहेल करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि मैं इस बारे में बहुत लोगों से बातें भी कर चुका हूं। कुछ लोग करते हैं इतनी तेज आवाज के साथ, किया छोड़ा किया छोड़ा किया छोड़ा, कुछ लोग धीरे करते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन मैंने पिछले एक वीडियो में आपको कुंभक बताया था कि जो हम अनुलोम विलोम करते हैं, श्वास को धीरे 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 पूरी भर लेना है, फिर उसको रोकना है, जितना देर रोक सके, रोकने के बाद उसको छोड़ना है। उसकी भी एक गति है, एक लय है, एक ताल है। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब हम कोई विशेष उद्देश्य को लेकर किसी विशेष प्राणायाम पर, किसी विशेष विधि पर अपने आप को फोकस करते हैं, तो मास्टर की देखरेख में कुछ समय तक करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्राणायाम में अगर हम सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, श्वासों की गति को सही तरीके से नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, उससे नुकसान भी हो जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये हमने अभी स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने के बाद किसी को बताया था, उन्होंने करना शुरू किया, बाद में बताया कि उनके तो बहुत सिर में दर्द होने लगा। हमने पूछा कैसे करते हो, उन्होंने वीडियो बना के भेजा, वो क्या करते थे, पूरी श्वास को अंदर भरते थे और उसको रोके रहते थे जब तक कि दम घुटने वाला वो ना आ जाए, ठसका जैसा ना लग जाए, और एकदम से श्वास बाहर जाती थी, फिर वो बाहर रोक लेते थे। क्यों रोक लेते थे, कि बाहर देर तक रोक लेते थे जिससे पूरी श्वास को भर सकें और ज्यादा देर तक कुंभक कर सकें। ये होता है अज्ञान, इसीलिए हमेशा कहते हैं कुछ भी करें किसी मास्टर की सलाह लेके कुछ समय तक उनके साथ करें, उन्हें अपने अनुभव साझा करें, उन्हें बताएं, उन्हें वीडियो भेजें कि देखो हम ऐसे कर रहे हैं। जब हमने कहा देर तक सांस को रोकना है, तो जब ज्यादा सांस जाएगी तभी तो देर तक रुकेगी। उन्होंने ज्यादा सांस भरने के चक्कर में उसको बहुत देर तक रोका, एकदम से सांस प्रेशर से बाहर गई, और जब प्रेशर से बाहर गई उन्हें लगा और ज्यादा देर रोकना है, उन्होंने फिर बाहर सांस रोक ली और बहुत समय तक ऑक्सीजन का अंदर न जाना
हमारे मस्तिष्क में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंची और उनको सिर में दर्द होने लगा, भारीपन लगने लगा। ये जो हम श्वास लेते हैं ये हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है, और प्रॉपर अगर मस्तिष्क में श्वास नहीं पहुंचती है तब इस तरह की परेशानियां होती हैं। हमें जो भी करना है सहज भाव से करना है, सहजता से करना है, जितना हो जाए अभ्यास करना है। स्वामी जी ने तो सालों अभ्यास किया तब वो बहुत देर तक कुंभक लगाए रहते थे, कुंभक में ही रहते थे। कहते थे कई बार तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं श्वास में छोड़ना है, मुझे डूब गए थे कुंभक में। लेकिन डूबने से पहले उनको अनुभूतियां हो गई थी, उनका शरीर सद गया था। उनको कहते मुझे जो कुछ मिला केवल इस अनुलोम विलोम की प्रक्रिया से मिला। अनुलोम विलोम भी नहीं कहते थे वो इसको कहते थे कुंभक साधने का प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम कहते थे। बाकी प्राणायाम के तो सब नाम है आप जानते हैं, इसको वो अपनी भाषा में कुंभक प्राणायाम कहते थे। तो मैंने तो कुंभक प्राणायाम कभी सुना नहीं था, तो मैंने पूछा कुंभक प्राणायाम क्या होता है, तब उन्होंने करके दिखाया तो मुझे लगा अनुलोम विलोम का ही एक रूप है जिसमें सारा फोकस कुंभक पर होता है, यानी प्राण को साधने का, श्वास को साधने का, श्वास को रोकने की प्रक्रिया है कुंभक। कुंभक शब्द तो सब जानते हैं कि हम श्वास लेते हैं और उसको रोकते हैं, वो कुंभक कहलाती है। जब हम पूरी श्वास ले लेते हैं, भर जाती है, घड़ा भर जाता है, फिर उस घड़े को रोक लेते हैं, सांस को बाहर नहीं आने देते हैं, फिर आने देते हैं धीरे 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 धीरे। तो क्या सांस को धीरे धीरे पूरा लेना, उसको रोकना और धीरे 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 वापस आना। लेकिन अनुलोम विलोम इसलिए कि वही प्रक्रिया है, एक नासिका से पूरी श्वास भरना, उसके बाद दोनों को बंद कर लेना और फिर दूसरी से छोड़ देना सहजता से। पता ही नहीं चलना चाहिए शरीर को कि क्या हो रहा है। और फिर दूसरी से श्वास लेना, फिर रोकना, फिर दूसरे से वापस भेज देना। यानी यहां से लिया, पता ही नहीं चलता। और उनको इतना अभ्यास हो गया, हर चीज का अभ्यास होना चाहिए धीरे धीरे। पहले जितना श्वास रोक सकते हैं उतना देर रोकें, फिर गति बढ़ाएं धीरे धीरे धीरे, और ये देखें इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, सिर भारी तो नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन पर्याप्त जा रही है, आप चेतन हैं, आप सजग हैं। और बाद में तो स्वामी जी को ये अभ्यास हो गया था, उनको नासिका बंद नहीं करनी पड़ती थी। एक से श्वास लेना, दूसरे से छोड़ना, ये बहुत वर्षों की साधना के बाद ऐसा होता है। उन्होंने कहा ना मुझे कभी कुंडलनी की जरूरत पड़ी जागृत करने की, ना मुझे चक्रों पर फोकस करने की जरूरत पड़ी, ना मुझे, मैंने बहुत जीवन में प्राणायाम किए, योग किए, कोई ऐसी मुद्रा नहीं है जो उन्होंने ना की हो। चार चार घंटे तक करते थे योग प्राणायाम सुबह सुबह। उनके फोटोग्राफ्स हैं, देखिए आप, वीडियो में दिखाए हैं हमने,
उसके बाद बस जब उनके गुरु का निर्देश मिला और उन्होंने वो करना शुरू किया, कहते थे शरीर में कितनी व्याधियां आई, सर्जरी हुई, कई बार तो ये हुआ कि अब शरीर रहेगा नहीं, लेकिन मैंने इस प्रक्रिया को नहीं छोड़ा, यह कुंभक प्राणायाम ने ही उनके शरीर को शक्ति दी और वो 94 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर पूरा हुआ। कह रहे थे, उनका कहना था, हम लोग जो बातें करते हैं ना, कुंडलनी का अभ्यास करते हैं, जागरण हो जाए कुंडलनी का, सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है और वो सुषुम्ना हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, सभी चक्रों के द्वारों को भेदती हुई वो ऊर्जा जब आज्ञा चक्र में पहुंचती है और उस समय हमारा जो विकरण होता है, जो हम संकल्प लेते हैं वही पूर्ण होता है, जो हम अपने दिमाग को निर्देश देते हैं वही पूर्ण होता है। बोले इन सब में मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए, लेकिन सुषुम्ना को जागृत करने का सहज और सरल सूत्र मुझे मिल गया, कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम में बैठने के बाद, उसको जीने के बाद स्वतः ही सुषुम्ना सक्रिय हो जाती है और ये अनुलोम विलोम, ये इड़ा पिंगला को सक्रिय करने का एक मार्ग है, साधन है। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो हमारी नाड़ियां हैं, ये तीनों नाड़ियां हमारी सक्रिय हो जाती हैं, एक साथ सक्रिय हो जाती हैं और कुंभक में जब हम कुंभक में बैठ जाते हैं, कुंभक में बैठने का मतलब है समाधिस्थ हो जाना, समाधि में बैठ जाना, और जब समाधिस्थ हो जाते हैं तो सुषुम्ना मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक सक्रिय हो जाती है, उसमें कुछ प्रवाह होने लगता है और वो जो प्रवाहित होता है वो पता चलता है कि ये कहां कहां हो रहा है और उसके बाद आप किसी और संसार में चले जाते हैं, कुछ और अनुभूतियां आपको होने लगती हैं, आपको पता ही नहीं चलता कितनी देर तक आप कुंभक में बैठकर अनुभूतियों का आनंद ले रहे हैं। और जो उद्देश्य था, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, ये मैं अपने गुरुदेव से पूछता था, तो बाद में गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने के बाद, कि गुरुदेव तो बहुत पहले चले गए थे, उन्हें उनके साथ रहने का अवसर मिला था, उनकी सेवा करने का अवसर मिला था, और उनके गुरुदेव तपोवन महाराज, सब जानते हैं तपोवन महाराज को, आप गूगल पर जाएंगे तो आप देखेंगे, आपको मिल जाएंगे। तपोवन महाराज ने अपना शरीर उत्तरकाशी में ब्रह्मलीन हुए, उस समय उनके बहुत शिष्य थे देश और दुनिया में, लेकिन स्वामी सुंदरानंद जी उनके करीब थे। संभवतः उत्तरकाशी में ही शरीर छोड़ा था, लेकिन जितना मुझे ज्ञात वो बता रहा हूं, लेकिन मैं तो स्वामी जी की बात बता रहा हूं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं क्रिया, ये स्वामी जी ने बताई, अभी पिछले वर्ष ही तो उनका शरीर पूरा हुआ, संभवतः दिसंबर में शायद, मैं बहुत जल्दी तिथियों को भूल जाता हूं, विस्मरण हो जाता मुझे, और उसके पहले आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने आपको वीडियो दिखाया था, स्वामी जी से संवाद बताया था, उनकी उनके जीवन के बारे में उनके ही श्री मुख से सुनाया था और उसके बाद बताया था कि स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। अभी की बात है,
और उसके बाद उनका वो जो सूत्र था वो मेरे चिंतन में आने लगा। मुझे लगा कभी हम अपने YouTube के परिवार, जो हमारे वैसे परिवार के जो साधक हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें अगर वो वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, लेकिन किसी मास्टर की देखरेख में या थोड़ा थोड़ा अभ्यास के धीरे धीरे, एक दिन में मत कर लेना, चमत्कार की उम्मीद मत कर लेना कि मैंने अपने आप को हम जान जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप सूक्ष्म शक्तियों से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, अपने ब्रह्मलीन गुरुओं से मिलना चाहते हैं, उनकी अनुभूतियां करना चाहते हैं, तो ये प्राणायाम उसमें आपकी मदद करेगा, ऐसा स्वामी सुंदरानंद जी ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर बताया था। और उन्होंने कहा, कई दशकों पूर्व उनके सदगुरु तपोवन महाराज ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन इस अभ्यास के बाद मैं उनके दर्शन करता था। कई बार ऐसा होता था मैं कुंभक में, मेरी समाधि लग गई और मेरे गुरुदेव मेरे सामने आ गए। कई बार ऐसा होता था उन्हें याद आती थी अपने गुरुदेव की, तपोवन महाराज की, उनके मन में होता था कि बहुत दिन हो गए, सदगुरु तो हमारे हृदय में विराजित हैं, लेकिन मुझे उनके दर्शन करना है। और वो बैठ गए सुबह 3 बजे अमृत वेला में, और अमृत वेला में बैठ के जो उन्होंने अनुलोम विलोम के अभ्यास में डूब गए, और कुंभक में उसी उसमें उनको लगा गुरुदेव तो उनके सामने आ गए साक्षात। उन्होंने कहा कि शुरू में तो उनको ये सब करना पड़ता था कि एक नासिका से वायु को अंदर ले जाना, प्राणवायु को रोकना, दूसरी से छोड़ना, फिर दूसरी से अंदर ले जाना, फिर रोकना, फिर दूसरी से छोड़ना, लेफ्ट राइट का ये क्रम था। बाद में इस क्रम की जरूरत नहीं पड़ती है, एक स्थिति के बाद बस श्वास को ले जाना, मानसिक हो गया कि श्वास यहां से जा रही है, यहां से निकल रही है, अब यहां से जा रही है, यहां से निकल रही है, केवल स्मरण मात्र से, सोचने मात्र से वो सक्रिय हो जाता है। आप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरी श्वास इससे जाए, लेकिन प्राणवायु का जो मेजोरिटी पार्ट है वो इससे जाता था, इससे कम जाता था, और जब छोड़ते थे तो मेजोरिटी पार्ट इससे निकलता था प्राणवायु का, इससे भी निकलता होगा लेकिन कम निकलता था। दोबारा में जब इससे लेते थे तो सोचना ही तो है कि मेरी श्वास प्राणवायु इससे जा रही है, इससे निकल रही है, अब इससे जा रही है, इससे निकल रही है, लेकिन मुख्य फोकस तो था कुंभक, किसी से जा रही है, किसी से निकल रही है। एक बार अभ्यास हो गया श्वासों पर, मन उसके अधीन हो गया। अब मन को आपने बैठते ही आदेश दे दिया कि रे मन, अब अनुलोम विलोम की तरह श्वास को अंदर ले जाओ और दूसरी नासिका से बाहर छोड़ो, फिर दूसरी नासिका से अंदर ले जाओ और बाहर छोड़ो। जब अभ्यास हो गया, उन्होंने कहा कई वर्ष लगे ये अभ्यास करने में, इस अभ्यास में उनको बहुत समय लगा। उसके बाद उनका फोकस, जब ये अभ्यास हो गया, अब उनका फोकस ये करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, शुरू में तो करते थे, इससे श्वास लेना, बंद कर लेना, इससे छोड़ना, इससे लेना, बंद कर लेना, इससे छोड़ना, अनुलोम विलोम। आपको बताया भी, कुछ दिन पहले ही बताया था हमने कि कैसे श्वास को रोकते हैं, कुंभक करते हैं। लेकिन आपके मैसेज आए, आप लोगों ने रुचि दिखाई, कुछ गंभीर
गंभीर तो नहीं कहेंगे, हाँ बहुत सिंसियर साधक हैं, तो मुझे लगा एक बार अब स्वामी जी का ये सूत्र आप तक पहुंचा दें। वो इसे क्रिया योग का एक सूत्र बताते थे कि क्रिया योग की एडवांस स्टेज पर कुंभक प्राणायाम किया जाता है, कुंभक योग किया जाता है, और ये कुंभक उन्होंने साध लिया था जिसमें ना अंगूठे की जरूरत थी ना नासिका को बंद करने की जरूरत थी, कुंभक में अपने आप को रहने की, जीने की और समाधिस्थ होने की अभ्यास कर लिया था उन्होंने। आप लोगों में से जो इस राह पर हैं, जो लंबे समय से कर रहे हैं, जो अनुलोम विलोम और अन्य प्राणायाम करते हैं, उन्हें पता होता है कि श्वासों का जाना और आना किस तरह से हो। गलती से कहीं एक जगह श्वास को जबरदस्ती ना रोक लें, नुकसान हो सकता है शरीर को, ऑक्सीजन दिमाग में नहीं पहुंचे तो भी नुकसान हो सकता है, इसलिए देख रेख में करना चाहिए, किसी मास्टर की देख रेख में करना चाहिए। तो जो लोग किसी मास्टर की देख रेख में, गुरु की देख रेख में प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, उन्हें जाकर उनसे पूछना चाहिए हम अब इस तरह से करना चाहते हैं, और उनकी देख रेख में अभ्यास शुरू करना चाहिए। जो नए लोग हैं वो धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं, एक नासिका से श्वास लेना, रोकना और फिर दूसरी से छोड़ना। बहुत सहज तरीके से, बहुत सरल तरीके से श्वास को धीरे 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 पूरी श्वास को ले जाना, भर लेना नीचे तक। जब मन उस श्वास को ले जाएगा तो 12 अंगुल की जगह वो 24 अंगुल तक ले जाएगा, भर लेगा, फिर उसको रोक लेना है वहीं, फिर धीरे 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 उसको छोड़ना है। धीरे धीरे जैसे ही पूरी श्वास छोड़ दें फिर उसको भरना शुरू कर दें उसी नासिका से। अब वीडियो में तो हम आपको इतना ही बता सकते हैं संवाद में कि श्वास को ले जाना धीरे धीरे, रोकना जितना देर ले जाने में लगे शुरू में उतना ही देर रोकने का अभ्यास करें, और फिर धीरे 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 उसको छोड़ना। जैसे जैसे आपको धीरे धीरे श्वास लेने का अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप कुंभक का अभ्यास बढ़ाते रहना, तो आपको नुकसान नहीं होगा, ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होगी, सिर दर्द नहीं होगा। इतनी सांस ली और बहुत देर तक रोक ली, परेशानी होगी। श्वास पूरी निकाली, बहुत देर तक बाहरी निकालते रहे, उसको अंदर लिया ही नहीं, रोक लिया बाहरी, परेशानी होगी। इसका एक तरीका यह है कि धीरे 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 श्वास को लेना, जितनी देर ली है उतनी देर उसको रोक लेना। फिर दूसरी नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना। योगी श्वास को रोक लेते थे, उनका अभ्यास हो जाता था,
श्वास रोकने का। स्वामी जी ने एक और बात बताई, उन्होंने कहा कि एक बार उनकी सर्जरी होनी थी, तो सर्जरी में एनेस्थीसिया देते हैं ना कि आपको बेहोश कर देते हैं और उसके बाद आपके शरीर को सर्जन जो भी करता है करता है, सर्जरी करता है। तो बोले एनेस्थीसिया लेने से पहले मैंने अपने को गहरी सांस लेके अपने को कुंभक में रोक लिया था बहुत समय तक। उसके बाद डॉक्टर ने अपने जो भी काम किया, योगी अपनी श्वास को रोक लेते थे 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट और लंबे समय तक वो श्वास को, पूरी श्वास को अपने अंदर भर के रोक लेते थे। जो रोक लेते थे उस श्वास की, उस ऑक्सीजन से पूरे शरीर का संचार होता था। और उस समय अगर डॉक्टर देखेगा तो कहेगा इनकी तो नब्ज ही नहीं है, चली गई। ऐसा एक जगह कहीं और भी मैंने हमने सुना है, वो बहुत प्रमाणिक नहीं है, मेरे पास प्रमाण नहीं है इसलिए, लेकिन मैं आपको शेयर कर रहा हूं वो भी। ईसा मसीह जी को जब सूली पर चढ़ाया गया तो वहां क्या होता था, एक पहाड़ी पर एक स्थान बना हुआ था, किसी को दंड देना होता था मृत्यु दंड, तो उसको एक दरवाजा था, उस दरवाजे से उसको ले जाते थे। बहुत बड़ा मैदान होता था पहाड़ी पर और नीचे लोग खड़े होते थे, वहां एक क्रॉस करके उसको कर देते थे, कील ठोक देते थे, मृत प्राय हो जाता था और उसके बाद छोड़ के उसको आ जाते थे और उसकी बॉडी वहीं पड़ी रहती थी और वहां पे चील इस तरह के पक्षी आके उस शरीर को उनका भोजन हो जाता था। रोज तो नहीं होता था, जब किसी किसी के साथ ऐसा होता था और बहुत दूर पर जहां गेट था वहां पर पहरा होता था कि कोई आ जा ना सके। ऐसा मुझे किसी ने बताया है तो मैं आपको बता रहा हूं, किसी संत ने ही मुझे बताया कि योगी ने बताया मुझे कि ईसा मसीह योगी थे, परम चेतन, और जब उनको ये लीला होती है ना प्रभु की, और जब ये उनको पहाड़ी पर ले जाया गया क्रॉस पर, उस समय उन्होंने अपनी श्वास को रोक लिया। एक लामा ने भी मुझे बताया था, ये भूटान में ईसा मसीह जी रास्ते से तिब्बत गए थे, उन्होंने तिब्बत में ये सीखा था, ये योग श्वास को रोकने का अभ्यास किया था उन्होंने, उस प्राणायाम में उन्हें महारत हासिल थी और जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया उन्होंने अपनी श्वास को रोक लिया। वहां भी डॉक्टर चेक करते हैं, वहां भी वैद्य चेक करते हैं, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने कहा हो गया डेड, शरीर पूरा हो गया। और शरीर पूरा हो गया उसके बाद शरीर वहीं पहाड़ पर रह जाता था और सब लोग धीरे धीरे चले आते थे। और ये लगभग सूर्यास्त के समय ऐसा किया जाता था जिससे रात में पक्षियों का भोजन बने, फेंक दिया जाता था शरीर पीछे कहीं पहाड़ी पर या वहीं छोड़ दिया जाता था। उन्होंने कहा कि जितने समय तक की प्रक्रिया रही डॉक्टर की, देखी कि इनकी नब्ज शांत हो गई, उन्होंने वो अपने गहन उसमें चले गए योग में, कुंभक कर लिया उन्होंने। मैंने स्वामी जी से भी इसका जिक्र किया था तो स्वामी जी हंसने लगे, बोले ये कुंभक का कमाल हो सकता है। कुंभक में योगी जब बैठ जाता है, समाधि ले लेता है, तो बहुत समय तक वो अपनी श्वास को रोक लेता है और शरीर में वो प्राणवायु संचरित होती रहती है।
और कहते हैं उनके शिष्यों को उन्होंने पहले से गुप्त सूचना दे दी थी। वो शिष्य जो है एक गुप्त रास्ते से आके गुफा में छुप गए थे, कुछ दिनों का राशन पानी लेप वैद्य के साथ। और जैसे ही सूर्यास्त हुआ सब लोग आ गए, बाहर आ गए, रास्ता बंद हो गया। उसके बाद उनके उन शिष्यों ने उनको ले जाके उस गुफा में रख दिया अंदर, वहां उनका उपचार किया, उनका लेप किया और वो स्वस्थ हो गए। वापस वो जब उनकी प्राण वायु चलने लगी तब उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए और उनको गुप्त रास्ते से देश के बाहर ले जाया गया। और वो जिस कॉरिडोर से आए थे वो कश्मीर भी गए थे, उसका कॉरिडोर का नाम है कुछ मुझे याद नहीं है, वो तिब्बत गए, कश्मीर गए और रहे वहां बहुत समय तक गुप्त रूप से। ऐसा है, ऐसा लिखा है, लेकिन मैं तो सुनी हुई बात कर रहा हूं। प्रमाणिक इसलिए कहता हूं कि जब कोई संत कुछ बताता है अपने मुख से, जब कोई योगी कुछ बताता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है, इसलिए बताता है। वो कहानी सुनाने के लिए नहीं बताता है। उनका कहना था कि उसके बाद वो बहुत वर्षों तक रहे, कश्मीर में रहे, तिब्बत में रहे, एक कॉरिडोर से उन्होंने यात्रा की। और बाद में उनके कुछ खास शिष्यों को पता चला, वो वहां आ गए, उनसे मिले और फिर उन्होंने जो उनका था, जो उनको आगे बढ़ाना था उसका उन्होंने आगे बढ़ाया। ये है कुंभक का रहस्य। मैं इसीलिए आप लोगों को क्रिया योग की आप लोग बातें करते हैं ना, तो मैं क्रिया योग के जो 7 सूत्र हैं उन सूत्र में जितने भी लोग जानते हैं, करते हैं, कुछ संस्थान इस पर काम करते हैं, वो 3 सूत्र ही बताते हैं। उनका ही कहते हैं अभ्यास करो, प्राणायाम करो, जो भी करो, जो भी क्रिया है क्रिया योग की वो करो। लेकिन उसके 7 सूत्र हैं प्रभु जी, लेकिन उन सूत्रों को इसलिए नहीं बताया जा सकता कि उसको करने में जरा सी असावधानी हुई हमें नुकसान हो सकता है, दिमाग में गर्मी पहुंच सकती है। इस कुंभक से भी यही हो सकता है, इसलिए आप लोग ज्यादा देर तक कुंभक करने की कोशिश मत करना, धीरे धीरे अभ्यास करना, जल्दबाजी मत करना। बहुत से लोगों को जब मैं कुछ कहता हूं ये करो ये करो तो वो तो तुरंत परिणाम चाहते हैं, अभी किया अभी परिणाम चाहिए उनको, अभी किया अभी चाहिए उनको। धीरे धीरे करें, इन अनुभूतियों से जैसे जैसे होता जाएगा एक स्थिति में आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाएगा, सुषुम्ना का उच्च स्तर। सुषुम्ना मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ही तो है उसका, और आज्ञा चक्र पे उसके बाद जो आप सोचेंगे, जो चिंतन करेंगे, जो मनन करेंगे उसकी फिल्म आपके सामने आ जाएगी, दृश्य रूप में आ जाएगा। ऐसे ही पहले योगी करते थे, यहां बैठे थे, उन्हें देखना था कि उनके शिष्य सागर किनारे क्या कर रहे हैं, या सागर किनारे बैठे हैं हिमालय में उनके सदगुरु क्या कर रहे हैं, और तारतम बन जाता था, वो बैठ जाते थे समाधि की स्थिति में, कुंभक साध लेते थे और पूरा परिदृश्य उनके सामने हिमालय आ जाता था, हिमालय से बैठ के पूरा सागर उनके सामने आ जाता था और वो उसको देख लेते थे जीवंत। ऐसा है हमारे भारत की ऋषि मुनि, हमारी संपदा है ये, हमारी धरोहर है योग, हमारे ऋषि मुनि योगी ऐसा करते रहे हैं और हमारे यहां से ही तिब्बत में गया। आज हम तिब्बत में योग की बात करते हैं, तंत्र योग की बात करते हैं, प्राण साधना की बात करते हैं। ये जब वहां राजा था उस राजा को पता चला था, उसकी रुचि थी, कश्मीर से गए थे वहां पे उन्होंने बुलाए थे, हमारे यहाँ के योगी वहां गए थे, हमारे यहाँ के ज्योतिषी वहां गए थे और वहां उन्होंने उसका ज्ञान दिया, उन लोगों ने आत्मसात कर लिया। हमारे यहां की पुस्तकों में जो यहां पर है
पतंजलि योग और जो भी विदेशों में गया है, लोगों ने उस पर शोध किया, अनुसंधान किया, उसको डेवलप किया, इसका अनुभव किया, अपने जीवन में उतारा और योगी हो गए। स्वामी सुंदरानंद जी का ये सूत्र हम आपको आज बताया हमने, आप अनुलोम विलोम में कुंभक का महत्व बताया। जितनी देर धीरे धीरे हम श्वास जितना देर तक धीरे 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 भरें, उतनी देर कुंभक करें, फिर धीरे 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 निकालें, अभ्यास बढ़ेगा धीरे धीरे श्वास लेने का। अभ्यास बढ़ेगा उसमें रहने का, फिर निकालने का। एक समय बाद जितनी देर में हम श्वास लेते हैं उससे चार गुना कुंभक करते हैं। कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि शरीर अभ्यस्त हो चुका होता है। ये श्वास लेने में अगर हमें आधा मिनट लगता है तो हम 2 मिनट तक कुंभक कर सकते हैं। एक अभ्यास के बाद धीरे धीरे इसकी गति बढ़े, उससे 2 गुना कुंभक करें, फिर इसकी गति धीरे धीरे बढ़े, धीरे धीरे 4 गुना करें, धीरे 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 बढ़े, 8 गुना कुंभक का अभ्यास हो। इतना करने से ही आपका शरीर स्वस्थ होगा, तमाम व्याधियों से मुक्ति मिलेगी आपको और आप एक अलग संसार में जीने लगेंगे। उस अंदर जो आनंद का महासागर है, उस महासागर का रस जब आप चख लेंगे, आप उसी में रहने लगेंगे, उसी आनंद में रहने लगेंगे। प्रभु जी अभी जब आखिरी बार हमने स्वामी जी का जो संवाद लिया था, जो आप लोगों को बताया था ना, पहले बाहर लिया था फिर अंदर उनके आसन पर लिया था, उन्होंने कहा था कि मेरे साथ सो, यहीं तुम्हारा पलंग डलवा देते हैं, मैं तो रात में सोता नहीं हूं और ज्यादातर तो बैठा ही रहता हूं। क्या करते हैं, यही करता रहता हूं, कुंभक में रहता हूं, समाधि नहीं कहते थे, कुंभक लगा लेता हूं, कुंभक में रहता हूं मैं। ऐसी है योगियों की बातें, ऐसी है सूक्ष्म बातें, ऐसा है ये रहस्यमय संसार। तो प्रभु जी आज इतना ही, फिर हम कल बातें करेंगे। हरिओम।